नमस्कार मो मधुस्मिता आपण मानको स्वागत करछु मो चैनल गोटे टुडिया रे। आज हमें तैयारी करबा ओउ खटा आउ ए ओउ खटा को मो बिना प्याज रसुण रे तैयारी करबी जहा फळ रे आपण कोनोसी पूजा व्रत उपवास दिन भी आपण ए खटा तैयारी करी खाई परबे। जदि मो रेसिपी आपण मानको भल लागे तले प्लीज मो वीडियो को लाइक करबे शेयर करबे आ मो चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। ताले चालंतु रेसिपी स्टार्ट करबा। ओउ खटा बनिया पे प्रथमे त हमको ओउ दरकार। ये मुझे गोटे ओउ नहीं ओउ गोटे दुई पाखुड़ा ओ बाहर करके मुझे भल भाव काटिकी धोकी रखी ये देखु। एबे आमे नेक्स्ट है गोटे प्रेशर कुकर नवा और आमे गोटे ग्लास पानी दवा से आमे काटिकी रखी ओउ पकेबा। एबे एथिरे आमे टिके लुण पकेबा आउ टिके पकेबा गोटे चम्मच हल्दी गुंड भल भाव थरे गोळेबा। आउ प्रेशर कुकर रे मीडियम फ्लेम रे गोटे विसल दबा। प्रेशर कुकर जगह आपण गोटे कढ़ई रे पानी गरम करके से ओ को पके कि 5 मिनिट खंडे मीडियम हाई फ्लेम रे फुटेले भी चलिबो। ओ को प्रथमे टिके फुटेबार कारण हैला या फल रे ओर जो कस पानी थिबो सेटा बाहरी जिवो आउ आमर खटार टेस्ट कसा लगेनि। एटी देखंतु मीडियम फ्लेम रे गोटे विसिल हो गलानी। एबे आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ करनबा याटु बेसी कुक करबा दरकार नहीं। कढ़े रे भी आपण मीडियम फ्लेम रे 5 मिनिट फुटेले हो जिवो। एबे कुकर थंडा हो सारा पर आमे खोली नबा। ओ गुड़ी को आमे गोटे प्लेट रे बाहर करनबा। एथिरे जो पानी रही जिवो से पानी को आमको फोपड़िया को पड़िबो ताको आमे यूज करिवानी केवल ओ को आमे यूज करिवो। ये पानी रे टिके कसा अंश रही जाए तेणु आम याकु यूज करिवानी। एबे आमे खट्टा बनेबा आरंभ करिवा। प्रथमे गोटे कढ़ाई रे 2 टेबलस्पून रिफाइन तेल गरम करिवा। आपण या जगह घी भी नहीं पारे। तेल गरम होगलानी एथर पकेबा गोटे चमच पंचफुटण। फुटण भल भाव फुटी सारे 2टी सुखिला लंका को एमती मझीर भांगिकी पकेबा। एबे आमे गैस रो फ्लेम को लो करनबा एथिरे पकेबा 8-10टी भृसंग पत्र। आउ एबे आमे एथिरे पकेबा ओउ जोटा को आमे सिझेकी रखिथिले। एबे गैस रो फ्लेम को लो मीडियम करके ओउ को गोटे मिनिट पर्यंत भाजी नबा। गोटे मिनिट भाजिला परे एथिरे पकेबा गोटे चम्मच हल्दी गुंड आउ एथिरे गुड़ पकई नौ मुझे प्राय गोटे कप गुड़ नहीं गुड़ जगह आप चीनी भी पकई पारे। एवं आउ टे लुण पकेबा झोल हिसाब से अलरेडी आम ओ को सीझेला बेले लुण पकई तेणु लुण आप देखिक पकेबे। एवं आम ओ को गुड़ सांग 2-3 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे भाजिबा। गुड़ भी सांगे सांग तरल आरंभ हो गुड़ सांग भल भाव कषि हे याको आपण बारंबार गोळौथिबे नहले गुड़ तळु लागि जाय पारे। देखंतु गुड़ अबे धीरे धीरे मेल्ट हो आरंभ हो गलानी। एबे त भल भाव कषि हो गलानी झोल पई पानी दबा। एठी मु 1.5 ग्लास पानी दउची आपण झोल कम रखिया को चाहचंती हेले कम पानी देबे। ए रेसिपी रे आपण गोटे रु 1.5 ग्लास पर्यंत पानी यूज करि परिबे। भल भाव गोल नवा लुण तो आम आगु पकईदेचु। एवं एथर आम कभर करके 2 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे फुटिया को छाड़ दबा खट्टा को। खट्टार स्वाद को आहरी बढ़ावापी मुझे किसी सोरस को गुंड करके रखी। नॉर्मल सोरस को मुझे ग्राइंडर रे गुंड कर खट्टा को आपण बिना सोरस गुंड देखी भी बन पारे। 2 मिनिट पर एबे कभर खोली नबा। खट्टा एबे भल भाव फुटबा आरंभ हो गलानी झोल। एबे जो आम सोरस को गुंड करके रखिले से गोटे चमच पकेबा। भल भाव मुझे गोल सारे एथर कभर करनबा आउ आम या 5-7 मिनिट पर्यंत कभर करके कुक करवा। गैस रो फ्लेम को मीडियम करनबा। 5-7 मिनिट है मुझे गोटे गिना नहीं जाइए एथिरे मु 1 टेबलस्पून अटा नौचे आ सेथिरे टिके पानी देकी चामच रे गोळे की गोटे घोळ प्रस्तुत कर नौचे।
ए घोल को आम खटा यूज करवा जहाँफल खटा आगे बहलिया हम मुझे भल भाव गोल रेडी कर सारे एथर आम घोल को खटार पकेबा भल भाव थे गोल नवा और खटा को आउ दुई रु तीन मिनिट पर्यंत फुटाप छाड़द दुई तीन मिनिट फुटला एबे आम खटार पकेबा भजा जीरा लंका गुंड जीरा लंका गुंड प्राय प्रत्येक ओडिया घरे आपण को बहुत सहजरे मिल जिवा एबे आम गोटे चामच जीरा लंका गुंड पकेबा खटारे भल भाव गोल नवा जीरा लंका गुंड पकेला परे आउ खटा को फुटिया को दबानी एथर गैस फ्लेम ऑफ कर नवा आम खटा बिल्कुल रेडी सर्व होगापी जदि मोर ये रेसीपीटी आपण मन को भल लगे तेल प्लीज मो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलेंगे।